तो बात करें ऊपर से, तो ऊपर से भी कुछ इस तरह का फिनिशिंग आ चुका है। कल कितने बजे का मुहूर्त है, कुछ आइडिया है आपको? कहें सीढ़ी के एग्जिट सामने, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जा पाएंगे। देखिए जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर दिया हुआ है अपनी मेट्रो की साइड से कुछ इस तरह का व्यू नजर आ रहा है, और ये है अपना सेक्टर 1। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आज कुछ इम्पोर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि नया अपडेट आने वाला है आपको। आपको मैं बता दूं कि कल गांधीनगर से अहमदाबाद के लिए मेट्रो चालू होने वाली है, उसका लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ गांधीनगर सेक्टर 1 में, क्योंकि सेक्टर 1 से JNLU तक और PDP गिफ्ट सिटी तक मेट्रो का ओपनिंग करेंगे PM मोदी साहब, तो उसका वीडियो भी पूरा बनू जरूर बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ये है अपनी बाइक रेडी है, और अभी यहाँ से मैं हेलमेट पहन लेता हूँ और आपको मिलता हूँ सीधा रोड के ऊपर। तो अभी मैं खड़ा हूँ मेन रोड के ऊपर, ये आप देख पाएंगे बोर्ड लगा हुआ है और कुछ इस तरह का है, गाड़ी रेडी है। तो चलो हेलमेट में मोबाइल लगा लेता हूँ और मोटो ब्लॉग शुरू करते हैं, और यहाँ से आपकी यात्रा मेरी जो शुरू होने वाली है सीधी सेक्टर 1 तक होने वाली है। तो मेरे साथ में बोलिए हर हर महादेव। तो जगह जगह ये आप देख पाएंगे तो बोर्ड लगे हुए हैं गजब वाले, और सिक्योरिटी के आप इंतजाम देख पाएंगे कि महामंत्री अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी में किस तरह की सुरक्षा और सफाई का आयोजन किया गया है। देखिए सब जगह सिक्योरिटी बैठे हुए हैं, और ये 3 दिन भी यहाँ रहने वाला है, जब तक यहीं पर ये कुछ इस तरह की सुरक्षा रहेगी। देखिए रोड ये चल रही है, और ये तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ नर्मदा कैनाल के ऊपर, और तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ सेक्टर 1 के ऊपर, और आप मेरे पीछे देख पाएंगे ये है सेक्टर 1, जहाँ से अपने को गांधीनगर का जो पहला मेट्रो है वो एक्टिव होने वाला है, और PM मोदी साहब कल यहाँ से एक्टिव करेंगे, और गिफ्ट सिटी और JNLU तक के लिए ये मेट्रो चलने वाली है। तो किस तरह की तैयारी है वो आपको अभी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर अपने लोहा पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी ये चित्रकारी की हुई है, और यहाँ से ये लिफ्ट है, दोनों साइड से एंट्री है, तो कुछ इस तरह की पूरी सुरक्षा है। और अभी आप हम लोग देख पाएंगे कि कुछ आगे से हम लोगों को इस तरह का पूरा दृश्य मिलने वाले हैं, और करके जो नज़ारे हैं वो आप लोगों को कुछ अच्छे वाला देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो में जुड़ते रहिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सामने के साइड में आप देख पाएंगे तो ये है कुछ, और ये अपना सर्कल है जस्टिस का, कुछ लोगों दिया हुआ, और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो 2 तराजू मांडे हुए हैं, ये भगवद गीता का भी साइनिंग दिया हुआ है, और कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। तो बात करें ऊपर से, तो ऊपर से भी कुछ इस तरह का फिनिशिंग आ चुका है, और बहुत गजब का नज़ारा है। और आप देख पाएंगे फिलहाल ट्रैफिक एक्टिव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल जब ये उद्घाटन होगा तो ट्रैफिक बिल्कुल क्लोज कर दिया जाएगा, और अभी फ़िलहाल पब्लिक अभी से बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और वीडियो देखने के लिए, और कैसा कुछ ओपनिंग होने वाला है पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोग जुड़े रहिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी हम लोग बढ़ चले हैं सीढ़ियों की तरफ, तो जैसा कि आप देख पाएंगे आज भी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पर, और ये है सेक्टर 1, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर हम लोग जा पाएंगे। तो कुछ इस तरह का व्यू है, और देखिए आप लोग आप देख पाएंगे तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, और बहुत सारे मजदूर वगैरह बहुत सारे जो ये कंस्ट्रक्शन लाइन में लगे हुए लोग सब लगे हुए ऊपर भी फिनिशिंग करने के लिए, सजाने के लिए, और कुछ इस तरह की तैयारी है। सुरक्षा की दृष्टि भी बहुत अच्छी तरह से की हुई है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सीढ़ी के एग्जिट सामने, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जा पाएंगे, और जैसे कि आप देख पाएंगे गांधीनगर के अंदर ये जो फैसिलिटी है डबल लेयर में की हुई है, सीढ़ी भी है, एक्सीलेटर भी दिया हुआ है, आप लोग एक साथ में दोनों के उपयोग कर पाएंगे। जो चलने में सक्षम नहीं है वो एक्सीलेटर के जरिए आप जा सकते हैं, और जो चल सकते हैं वो सीढ़ी के द्वारा जा सकते हैं, और वहाँ से ऊपर जाने के बाद में यहाँ से मेट्रो एक्टिव हो जाएगा।
तो आपको सामने की साइड में दिखा दूँ, तो यहाँ पर कुछ ये देखिए झंडे वगैरह लगा रखे हैं और बहुत सारे ऑफिसर वगैरह निरीक्षण कर रहे हैं आप देख पाएंगे, और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और ऊपर भी देखिए सजावट का काम चालू है। अगर हम लोगों को परमिशन होगी तो हम लोग जाएंगे ऊपर। तो जैसा कि आप देख पाएंगे जितने भी सुरक्षाकर्मी या जो भी यहाँ का स्टाफ है सबको एक आईडी दे रखी है, आईडी की उनकी पहचान है, जिसके पास में आईडी है वही ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल मैं ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कोई परमिशन है नहीं मेरे पास में कोई आईडी है, मैं सिर्फ शूट करने के लिए आया हूँ। तो नीचे से दिखाने की कोशिश करूँगा, और अगर बाई चांस कोई अवसर मिलते हैं, अगर छूट मिलती है तो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, नहीं मिली तो नीचे से पूरा आपका व्यू दिखा लेंगे और किस तरह से कल ओपन होने वाला पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारे सुरक्षा की दृष्टि से हमारे आदरणीय पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, और इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सर कल कितने बजे का मुहूर्त है, कुछ आइडिया है आपको? दोपहर 2 बजे के, दोपहर को होगा? हाँ दोपहर को 2 बजे। अच्छा, तो पब्लिक के लिए कल से ही ट्रांसपोर्ट ओपन हो जाएगा या परसों से रहेगा? कल से ही रहेगा, कल से शाम। तो अच्छा, दोपहर के बाद में जैसे पीएम साहब मुहूर्त करेंगे उसके बाद में पब्लिक अप डाउन कर सकती है ना? हाँ। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हम लोग सर से थोड़ी रिक्वेस्ट की थी कि बताया दिया है कि भाई कल दोपहर को ओपनिंग होगा, जैसे पीएम साहब ओपन करेंगे उसके बाद में पब्लिक के लिए भी आपको खोल दिया जाएगा, आप लोग चाहें तो इस मेट्रो का सफर का आनंद ले सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है देखिए रूट बोर्ड, आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर दिया हुआ है अपनी मेट्रो गुजराती के अंदर सेक्टर 1 से इंग्लिश और गुजराती दोनों में लिखा हुआ है। तो आपको बता दूँ ये पूरा रूट है, तो महात्मा मंदिर से शुरू हो रहा है 24 सेक्टर, फिर 16 जूना सचिवालय, अक्षरधाम सचिवालय, 10 एक ये अपन जो खड़े हैं वो लेटेस्ट है सेक्टर 1, फिर इंपोस्टिटी डेपो है, और इसके बाद धौला कुआ है, राधेशन है, रायसन है, और ये है GNLU, यहाँ से ही गिफ्ट सिटी के लिए एक रूट जा रहा है। और इसके अलावा ये आगे जो रूट है ये वाला मोटेरा वत्ताद, ये अभी फिलहाल काम पेंडिंग में है, तो यहाँ तक से ही चलने वाली है। और आपको बता दूँ कि कल जो ट्रेन एक्टिव होने वाली है वो सेक्टर 1 से लेके यहाँ तक ही एक्टिव हो। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ का मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, मैंने पूछा भी सर से कि मुझे ऊपर जाने की परमिशन है, तो फिलहाल मुझे छूट नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पीछे की साइड में देखेंगे बाहर से इसका व्यू कैसा आ रहा है, वो भी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और कल जैसे ही ओपन होगा वहाँ पर कभी मैं शूट करने की कोशिश करूँगा, और कल मैं आऊँगा यहाँ पर जब ओपन होगी तो कोशिश करेंगे कि कल वाला मेट्रो का उद्घाटन का समारोह को भी कोशिश करें, हम लोग ट्राई करेंगे, फिर परमिशन मिलेगी तो देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पाएंगे लाइटिंग कितनी गजब की आप देख पा रहेंगे, और यहाँ पर कामगिरी भी चालू है, मजदूर वगैरह जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो लगे हुए लाइटिंग और दूसरी जो भी फैसिलिटी है उसके ऊपर करने के ऊपर। और जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर ये इस तरह का व्यू है, और यहाँ से लिफ्ट के द्वारा ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर से ये कुछ इस तरह का व्यू है फिलहाल। और बाग ये यहाँ पर पूरा रूट बोर्ड दिया हुआ है, ये सामने के साइड में देखेंगे मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर। तो बाहर की साइड से कुछ इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है, और ये है अपना सेक्टर 1, और जैसे कि आप देख पाएंगे ये सर्कल को कितना प्यारा सजाया है, लाइटनिंग वगैरह बहुत गजब की है, सुरक्षा की दृष्टि भी बहुत खतरनाक की हुई है, चारों तरफ अपने पुलिसकर्मी लगे हुए हैं सुरक्षा के लिए। और कल टाइमिंग है इसका, जो भी ओपनिंग का टाइमिंग है वो फिलहाल रिवील नहीं किया है, उसका रीज़न है कि अभी फिलहाल कोई टाइमिंग नक्की नहीं हुआ है, पीएम साहब आ जाएंगे लेट सेट, उसके बाद में कल मुहूर्त है, उसके बाद में पूरे दिन JNLU तक ट्रेन दौड़ती रहेगी, कल से एक्टिव हो जाएगी गिफ्ट सिटी तक ट्रेन। तो उसका जो पूरा रिव्यू है वो भी आपको कल नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी, और आपको ऐसे ही और वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे, और कल जो मुहूर्त होने वाला उसका वीडियो भी आपको चैनल में देखने को मिलेगा। तो ऐसे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और आपके पूरे परिवार का ध्यान रखिए, मेरे साथ में बोलिए हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।